मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और अमित शाह जी की बाइट भी देखने को मिली जहां वो कह रहे हैं किसी कीमत पे इनके साथ हम नहीं आएंगे। तो जो देश के भविष्य को संभालना और संवारना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम को स्मरण करते हैं, वो प्राण जाए पर वचन न जाए भूल गए। तो ये ऐसे लोगों के हाथ में देश ना जाए ये तय करने का मौका आ गया है। और स्थिर विचार के लोग जो जनहित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, सद्भाव के लिए, संभाव के लिए काम करते रहे हैं और काम करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे, उनको मौका देने का समय आ गया है।